हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा एंड वेलकम टू क्लोज टू नेचर। देखो नेचर, कुदरत, आसमान बिल्कुल लाल दिख रहा है और बिजली चमक रही है, आपने देखा होगा। अब इसकी साउंड बाद में आएगी। और कितनी तेज हवा चल रही है, ये देखो कैसे झूम रहे हैं पौधे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं जाके वहाँ पर कुछ पौधों को उठा लाऊं, क्योंकि इतनी तेज ठंडी हवा चल रही है और मेरी सॉक्स भी गीली हो चुकी है। मुझे डर लग रहा है मुझे ठंड ना लग जाए। हमारे घर में खाना कौन बनाएगा फिर। और ये देखो मेरी चेयर गीली हो गई, ये तो सूखेगी भी बहुत मुश्किल से, अब बिल्कुल गीली हो गई है। अब ये तो अच्छी तेज धूप आई ना तो भी काफ़ी मुश्किल से सूखेगी। ये मिट्टी मेरी बाहर पड़ी हुई है, पर ये ना कट्टों में है तो ऐसे ढक दिया इनको, तो कुछ नहीं होगा। बड़ा मैसी सा, गंदा गंदा सा गार्डन है। अब सैटरडे संडे आने वाला है तो मैंने सोचा था साफ करवाऊंगी, पर ऐसे ही मैंने बारिश का ना एक यहीं से एक व्यू ले दिया सामने सामने की तरफ का, उधर से मुड़ के जो जाता है उस तरफ का रहता है। ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। एडेनियम और कुछ हो सकते थे ना, वो तो फटाफट से रख दिए। थोड़ी थोड़ी सी मैं गीली भी हो गई हूँ, अब मैं जाके चेंज करती हूँ। और बाकियों को मैं नहीं हटा रही क्योंकि ऐसी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। बाकी पौधे जो है ना एक दूसरे के अंडर ही हैं, जैसे ये छोटी छोटी सैपलिंग थी इस बड़े येलो के अंडर हैं, तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, सब बिल्कुल ठीक है। और बाकी फूल वाले काफ़ी झड़ चुके हैं क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। देखो कितनी तेज हवा चल रही है, तो झड़ना तो इन्हें था ही। जरबेरा, लेंटाना, सारे बिल्कुल गायब हो चुके। रोज़ कि कोई फ्लावर था भी वहाँ, ऐसे उनकी पेटल्स उड़ गई, बिल्कुल है ही नहीं। एक्चुअली हवा बीच बीच में बहुत ही तेज लाउड, इवन मेरी नीचे की खिड़कियाँ भी साड़ी भाड़ भाड़ ऐसे लग रही थी। देखो कुछ ना उड़ने की भी आवाज़ आ रही है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, कुछ नया नेचर लेकर। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। जब तक के लिए बाय।